आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बैटरियां होती हैं उनको चार्जिंग करने का टाइम और जो उनको चार्जिंग करंट होता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब बैटरी के चार्जिंग टाइम और चार्जिंग करंट की कैलकुलेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमारे पास कोई भी बैटरी है जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या फिर कोई नई बैटरी हमने ली है अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका चार्जिंग करंट क्या है और इसको फुल चार्ज होने में कितना समय लगता है। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम कोई भी चार्जर उसके साथ लगा के उसको चार्ज करने की सोचेंगे तो इसमें हमारे दो नुकसान हो सकते हैं। एक, या तो हमारी बैटरी खराब हो सकती है, दूसरा हमारा चार्जर खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये पता होना बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारी बैटरी होती है उसका जो चार्जिंग टाइम है और चार्जिंग करंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बैटरी के चार्जिंग करंट और चार्जिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो इस वीडियो में हम एक आसान से फॉर्मूले की मदद से आपको बैटरी का चार्जिंग टाइम और चार्जिंग करंट निकालना सिखाएंगे। इस वीडियो में हम एक 100 AH की बैटरी का एग्जांपल लेके आपको चार्जिंग टाइम और चार्जिंग करंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी इज इक्वल बैटरी AH बाय चार्जिंग करंट, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे T इज इक्वल AH बाय A। अब यहाँ पे T जो है वो टाइम जो कि हम घंटों में लिखेंगे, AH ये है बैटरी की कैपेसिटी जिसको हम एम्पियर पर आवर में लिखते हैं, और नीचे हो गया A। अब A हो गया हमारा करंट जिसको हम एम्पियर में लिखते हैं। अब हम एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है उसका चार्जिंग करंट और चार्जिंग टाइम क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक 100 AH की बैटरी है, तो सबसे पहले हम इसका चार्जिंग करंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आज हम आपको बता रहे हैं, जो चार्जिंग करंट है वो जो बैटरी की AH की कैपेसिटी होती है उसका 10% कम से कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो बैटरी है वो 100 AH की है, और अगर इसका हम 10% निकालते हैं तो हमारे पास 10 A की वैल्यू आ जाती है, यानी कि हमारी इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए 10 A के करंट की जरूरत है। लेकिन इसमें भी चार्ज करते समय कुछ न कुछ लॉस जरूर हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे 10 की जगह 11 A लेके चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें पता लग गया है कि जो बैटरी है उसका चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए, उसका 10% से थोड़ा ज्यादा ही हमें रख के चलना होता है। तो 11 A हमारा चार्जिंग करंट हो गया है। अब देखते हैं हम बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है, यानी कि बैटरी को फुल चार्ज होने में कितना समय लगेगा, उसको कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो चार्जिंग करंट है वो 11 A यहाँ पे आ गया था। तो इस हिसाब से अब हम देखते हैं, तो टोटल हमारी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 100 A, और जो हमारा चार्जिंग करंट था वो आया था 11 A। तो 100/11 इस हिसाब से हमारा जो चार्जिंग टाइम आता है वो 9.09 hours आता है, यानी कि लगभग 9 घंटे हमारी इस बैटरी को फुल चार्ज होने में लगेंगे। लेकिन ये एक आइडल केस है, यानी कि ऐसा प्रैक्टिकल संभव नहीं है, क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें लगभग 40% तक के लॉस देखे गए हैं। तो इस हिसाब से हमें लगभग 40% अपनी बैटरी की कैपेसिटी है उसको एक्स्ट्रा करके चलना होगा, तब जाके हम हमारी बैटरी का सही चार्जिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको अब इसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बैटरी की जो कैपेसिटी है उसका 40% निकालते हैं। जो हमारी बैटरी की कैपेसिटी है वो 100 AH है, और हम इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो 40 AH हमारी बैटरी की कैपेसिटी आ गई है। तो इस हिसाब से हमारी बैटरी पहले थी 100 AH प्लस 40 हमें एक्स्ट्रा करना है, तो इस हिसाब से हम हमारी बैटरी की कैपेसिटी को 140 AH की मान के चलेंगे। तो अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारी बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा। तो AH अब हमारा हो गया है 140, और हमारा चार्जिंग करंट था 11, तो 140/11 तो इसका 12.72 hours आ जाता है, यानी कि लगभग 13 घंटे के आसपास, 12.5 से 13 घंटे के आसपास हमारा टाइम जो है वो आ गया। यानी कि हमारी जो बैटरी है उसको अगर हम 11 A का करंट देते हैं तो हमारी बैटरी 12.5 से 13 घंटे के बीच में फुल चार्ज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जान सके कि बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है और चार्जिंग करंट है उसको कैसे निकाला जा सकता है। इस टॉपिक से या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं।